आ गए आप लोग। हाँ तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन विद अनदर न्यू वीडियो। तो कैसे आप सभी लोग, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो मैं आ चुका हूँ आज पूरे 2 दिन के बाद नया व्लॉग स्टार्ट करने के लिए। हाँ कोई बात नहीं गाइस, कोई मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स के मैसेज आए मेरे पास कि भाई कहाँ हो, आज व्लॉग नहीं डाला आपने, क्या है, सब कुछ ठीक तो है। तो मैं उनको बता दूँ भाई, एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ ओके। और मौसम दिखाऊँ, मौसम देखना। आज की मैं आपको दिन की समरी दे देता हूँ। कल तो मैंने कुछ भी नहीं करा, सारा दिन रूम पे पड़ा रहा, मतलब फ्लैट पे। यार रूम काफ़ी गंदा सा लगता है बोलने में, तो फ्लैट ठीक है, फ्लैट पे था, सारा दिन उसी पे पड़ा रहा। दोस्त पार्टी में गया हुआ था, अब कह रहा है 6 बजे आऊँगा, तो मैंने सोचा कुछ सामान लेना था, सामान लेने के लिए जा रहा हूँ। आज मैं क्लासेस थी मेरी, आज मैं उठ गया सुबह 8:30 बजे, फिर फ्रेश व्रेश होकर जिम चले गए। समरी दे रहा हूँ गाइस, समरी कॉपी वॉपी ले लो, लिखना स्टार्ट कर दो। हाँ तो जिम चला गया, जिम के बाद आके नहा धो के अपना क्लासेस के लिए चला गया। क्लासेस वगैरह अटेंड करी आज, मतलब पहली क्लास तो सही समझ आई, थोड़े बहुत जो पूछा उसे बताया भी, आंसर वगैरह भी दिए, सिंसियर बच्चा हूँ मैं थोड़ा सा। हाँ तो पूछा बताया, दूसरी क्लास में फिर ऐसी कैसी पता ही नहीं क्या चल रहा है ज़िंदगी में, पता ही नहीं कहाँ आ गए, क्यों आ गए। एक तो जब ये असाइनमेंट वगैरह की बात करने लगते हैं ना, जब थोड़ी टेंशन सी हो जाती है, कहने लगते हैं सबमिट करना है, ये करना है, PPT प्रेजेंटेशन वगैरह वगैरह स्पीच, जब तो दिमाग घूम जाता है। अंशु का देखो, अंशु इतने सहन शक्ति वाला आदमी नहीं है। हाँ और मैंने एक जगह, मतलब ये अपनी जगह है, देखा होगा, यहीं पे आता हूँ मैं ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए, अब आ चुका हूँ। और उसके बाद हाँ दूसरी क्लास समझ नहीं आई, फिर एंड से में, मतलब थोड़ी बहुत आई एंड से में, मैंने बताया मन की प्रोफेसर सर आई एम सुपर न्यू विद द लैंग्वेज, सो कि आपको मैं हिंदी में समझा देता हूँ क्योंकि बहुत सी ऑडियंस है मेरी, इतनी एक तो कई लाखों करोड़ों में मेरी वीडियो फैल रही है, देख रहे हैं, तो उनको बता देता हूँ। प्रोफेसर से मैंने बोला कि मैं अभी मतलब इतना अच्छा नहीं हूँ, मेरा एक्सेंट वगैरह में अभी मेरा है नहीं, इतना अच्छा हाथ मेरा बैठा नहीं है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, फिर मैंने कहा मेरे को 1 महीना लगेगा, कह रहा कि कोई नहीं परफेक्ट है, मतलब परफेक्ट तो नहीं, मैंने कहा कि मैं 1 महीने में परफेक्ट हो जाऊंगा, ठीक है। एक तो यार व्लॉग के चक्कर में आराम आराम से बोलना पड़ता है, आराम से नहीं मतलब बोलना ही पड़ता है लगातार, ये तो क्या समझेंगे। हाँ और आ गया मैं, और तो कुछ नहीं, और क्या, और आप मौसम चेक करो, मौसम मैं दिखा चुका हूँ, मगर आप ये व्यू देखिए, देखना मस्त है। पुलिस तो जाती जाती, पुलिस कम है यहाँ पर, मतलब पुलिस की गाड़ियाँ कम दिखती है, एम्बुलेंस वगैरह ज़्यादा दिखती है। तो अब जा रहा हूँ टेस्को, और मन भी नहीं कर रहा जाने का, बारिश आ गई ना फिर लेने के देने लग जाएंगे, क्योंकि दूर है वो। मैं वापस घर गया था अभी फ्लैट पे, फिर वापस आया, कैश लेना भूल गया था थोड़ा सा, पर कैश और ले लिया इमरजेंसी के लिए। वापस जा रहा हूँ छाता लेने के लिए, क्योंकि भरोसा तो है नहीं इस मौसम का यहाँ के, कभी भी कुछ भी हो जाता है। और देखना आज फुल पहनी हुई है, फुल ठंड थी, फुल झिक के सुबह तक तो जिम गया, वहाँ हुडी में गया जिम, तो आज पूरा हुडी में पहन के, जब भी ठंड लग रही थी इसके नीचे इनर भी पहन रखा है, जब भी ठंड लग रही है। एक तो ठंड लगे भी ना, अगर हवा ना चले तो, हवा चलती है ना हो, अब दिल्ली में भी बारिश हुई है, जब मेरा व्लॉग आएगा जब तक तो खैर ख़त्म होगी होगी बारिश, मतलब कल बारिश हुई थी, हाँ हुई थी, रात के टाइम बारिश हो रही थी, मम्मी से वीडियो कॉल पर बात करी थी जब मैंने, मेरा घर कहाँ मर गया, फ्लैट गिरा सामने, मैं जाके छाता ले आऊँ, छाता बैग में डाल लूँगा, ठीक है आपसे मिलता हूँ टेस्को पहुँच के। गाइस देखो यहाँ ना इस तरह के स्कूटर चलते हैं, ये रे इलेक्ट्रिक है, ये काफ़ी सही चीज़ है। अरे रुको, हाँ देखो कुछ इस तरह के। तो गाइस आप लोग यकीन नहीं करोगे, पिछले 10 मिनट से सिर्फ मैं यहीं चक्कर काट रहा हूँ, देख रहा हूँ कोई जा रहा है, कभी कोई जा रहा है, कभी कोई जा रहा है, फिर मैंने थोड़ा करके मन की इनकी भैंस की टांग, छोड़ो कोई बात नहीं, मैं अपना व्लॉग बना ही लेता हूँ। तो मैं क्या दिखा रहा था, हाँ स्कूटर देखे ना अपने, तो यहाँ यही चलते हैं, और ये पूरी यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन है, दिखाता हूँ मैं। एक तो ये है, इनको बोलते हैं द हाउसेज जिसमें मैं रहता हूँ, एक ये द नॉर्थ टावर्स, और इसके बिल्कुल एक अपोजिट में साउथ टावर्स, और एक ये है, ये पता नहीं क्या है, ये कोई करियर हब सेंटर करके इस यूनिवर्सिटी का, ये देखो कह रहा था ना मैं, ये बच्चे यहाँ यूज़ करते रहते हैं इसको, और यहाँ पे पास में ही मीडोज़ है,
रोज़ भी दिखा दूंगा आपको अभी सामने से। दोस्त आ रहा है, उसका अभी कॉल आया, दो मिनट रुक मैं आ रहा हूँ, फिर वो भी आ रहा है, क्लासेस उसकी अभी ख़त्म हुई है। हाँ तो ये मतलब सारे एक्सपेंसिव है, ये यूनिवर्सिटी के जो जितने भी पीछे दिख रहे हैं ना, पीछे आगे मिडोज भी है, तो सबसे मतलब जो एक्सपेंसिव है इनमें से वो बता देता हूँ, वो है द हाउसेस, जिसमें तुम्हारा भाई रहता है, सबसे एक्सपेंसिव है वो। अरे जोक्स अपार्ट्स मेरी आवाज़ को क्या हो गया, मेरे बोलते मतलब मेरी जीभ ऐसे लड़खड़ा सी जाती है जब व्लॉग करता हूँ, पता नहीं क्यों। वैसे तो मैं बहुत क्लियर बोलता हूँ, बहुत ज़्यादा क्लियर। और एक गाड़ी दिखाऊँ, बहुत खतरनाक लगती है मुझे। चलो कोई नहीं गाइस, दोस्त का इंतजार करते हैं, फिर देखते क्या है आगे सीन। और बात, मेरा जो दोस्त है ना वो रहता है साउथ टावर्स में, ये जो टावर है ना इसके दूसरी बिल्कुल अपोजिट साइड है, थोड़ा सा दूर चल के नॉर्थ, वो ये है नॉर्थ टावर, वो है साउथ टावर। हाँ तो मैं क्या एक्सपेंसिव, वो उसका रूम, मेरा जो रूम का रेंट है उसके रूम से मतलब डबल से ही है, अप्रॉक्स डबल लगा लो। और उसका जो रूम है ना, मैं कह रहा हूँ सबसे प्यारा लगता है उसका रूम, 9th floor पे मैं क्लिप लगा दूंगा। जल्दी से मैं स्टार्ट कर देता हूँ। हाँ तो गाइस हम टेस्ट को पहुँच चुके हैं, आपने क्लिप देख ही ली होगी, मैंने आपके रूम की क्लिप डाल दी। हाँ डाल दूंगा। हाँ तो टेस्ट को पहुँच चुके, देखो जिस जिसके प्राइजेस हो सकेंगे मैं दिखा दूंगा, जिस जिसके नहीं हो सकेंगे नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि पीछे भीड़ आ रही है, मैं जल्दी से व्लॉग को बंद कर रहा हूँ। गाइस हम टेस्को के अंदर पहुँच चुके हैं और हम ढूंढ रहे अपना सामान, मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता नहीं लोग मुझे देखे व्लॉगिंग करते हुए। तो गाइस आज का व्लॉग यहीं तक था, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी हम अंडे की सेक्शन में जा रहे हैं, हमें नहीं चाहिए, इसके इनके किसी रूममेट को चाहिए, तो मैं आपको दिखा देता हूँ अंडे के प्राइजेस वगैरह अभी कितने कैसे हैं। अंडे तो मिल गए हैं, मगर मैं इधर उधर घूम रहा हूँ ताकि लोग बाग मुझे नोटिस ना कर पाए, फिर मैं आपको अंडे के प्राइजेस दिखा देता हूँ। मेरे ख्याल से इंडिया के सेम प्राइजेस हैं, आप कंपेयर कर लेना। इंडिया में बहुत सस्ते हैं, इंडिया में बहुत सस्ते हैं, ये बहुत महंगे हैं। 15 पैसे कितना? अदरक मिल रही है 120 की, कितनी है? 100 ग्राम 3 अदरक है 120 की, और इसका प्राइस बतानी है विभाग तो का। गैस कोई मत आना यहाँ पे, कभी मत आना, बहुत खर्चे हैं, बहुत वो है। अब पेस्ट ढूंढते हैं, पेस्ट मिल जाएगा तो पेस्ट ले लेंगे। गैस ब्रेड के प्राइस देखो, वाइट ब्रेड जो नॉर्मल ब्रेड होती है ना 125, 45 रुपया, क्या बात कर रहे हो, ये देखो 45 रुपये की। गाइज अपना काम हो गया, अपने प्राइजेस की जो हम ढूंढ रहे थे वो मिल चुका है, अब हम इसको लेके अपने घर जा रहे हैं। गाइज होप कि आपको मेरी क्लियरिटी अच्छी दिख रही होगी। हाँ तो हमने अपना सामान ले लिया है, ब्रेड वगैरह, मेयो, गार्लिक पेस्ट, सब चीज ले लिया है, और ये 10 रुपये बचे हैं। दिख रहे हैं नहीं दिख रहे? दिख रहे हैं, देखो दिख रहे हैं, ये 10 है, पता नहीं कितने देखते हैं। अब मेरा व्लॉग तो अब हो गया, बहुत लंबा खींच दिया, कोई बात नहीं, इतना बहुत है। इसके बाद बाय बाय टाटा, रात भी होगी, घर जाके सैंडविच बनाऊंगा और बस सो जाऊंगा। ओके बाय गाइस, आज का व्लॉग यहीं तक, एडियोस।